11 सर्कल में यदि आप लोग अपना कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एंटर आ बैलेट कूपन कोड आता है, एंटर आ बैलेट प्रोमो कोड आता है। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यार वीडियो को लाइक कर दिए और यदि चैनल पर नए आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर एंटर आ वैलिड कूपन कोड या प्रोमो कोड क्या होता है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर जब अब यहाँ पर कोई भी कूपन कोड अप्लाई करते हैं, यदि आपके पास में कुछ इस तरीके का एरर आता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये कूपन कोड है मेरा, मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एंटर आ वैलिड प्रोमो कोड, ठीक है, यहाँ पर एंटर आ वैलिड कूपन कोड आ रहा है। एंड यहाँ पर मैं दूसरा यहाँ पर कूपन कोड डाल के देखता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक और कूपन कोड है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, क्योंकि कोई कूपन कोड क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है, उस डेट तक आप उसको कूपन कोड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। यदि आप लोग उसको पहले यहाँ पर यूज़ कर लोगे डेट एक्सपायर होने से पहले तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जो आपका जो कूपन कोड रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, तभी आपके पास में ये यहाँ पर कूपन कोड की एक्सपायर जो वैलिड कूपन कोड आता है वो इसी वजह से आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यार मिलते हैं किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम।